I'm gonna start good then. करते हैं हम लोग को हम लोग ने अभी लास्ट उसमें जो है हमने आयनाइजेशन अपने माइक्स आप लोग जो है ना म्यूट कर लीजिए तो आयनाइजेशन चैम्बर में हमने देखा कि हमारे पास जो है एक चैम्बर लगा होता है उसके साथ जो है आपके पास एक बैटरी लगी होती है बैटरी के साथ जो है हमारे पास मैं थोड़ा सा पिछला रिव्यू ही दे रही हूँ ये हमने डायग्राम देखी थी कि हमारे पास ये जो है रेडियक्टिव सोर्स है ठीक है ये आयनाइजेशन चैम्पर लगा हुआ है आपके पास डिटेक्टर जो कि कर क्या रहता है कि आपके पास यहाँ पर बैटरी लगी हुई है ये जो है दो इलेक्ट्रोड्स हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों कह रही है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इसलिए इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे और ये वाला जो है वो यहाँ से देखो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का पूरा ये है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या लाएगा क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इनडायरेक्टली कनेक्टेड है जब आपके पास आयनाइजिंग पार्टिकल्स एंटर होंगे इसमें यानी आयनाइजिंग पार्टिकल्स जब एंटर होने शुरू होंगे इसमें तो होगा क्या

ज्वाइन हो गई है ठीक है हम उसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब है प्रोपोर्शनल चैम्बर प्रोपोर्शनल चैम्बर में हमारे पास क्या है प्रोपोशनल चैम्बर भी हमारे पास एक गैस फिल डिटेक्टर्स ही है इसमें होता क्या आपके पास कि ड्यू डिस्कवरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मैथोलॉजीज़ फॉर डूइंग रिसर्च और कॉन्सली अंडर डेवलपमेंट यानी रिसर्च और मैथटॉलॉजीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होती हैं किसी भी uh, चीज़ की डिस्कवरी के लिए और उसमें वो अहम किरदार अदा करती हैं uh, पहले पहल जब भी कोई हम देखो कुछ भी करते हैं तो उसमें हम पहले एक हाइपोथीसिस बनाते हैं उसमें हमारी कैलकुलेशन होती हैं ऑब्जर्वेशन होती हैं हमारी थ्योरी होती है एक्सपेरिमेंट्स है, है, होते हैं रिजल्ट होते हैं तो ये सब चीजें जो है मिलकर एक कम्प्लीट पैकेज बनाती है इसी तरीके से अगर कोई चीज डिस्कवर हो रही होती है तो उसके पहले पीछे जो है ना एक सोच होती है फिर उसके ऊपर मैथटॉलोजी उसकी प्लानिंग की जाती है फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसको एक्सपेरिमेंटली बेस पे काम किया जाता है तो उसमें कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट में फर्स्ट फास्ट में तो कभी जो है जैसे रदर फोर्ट था उसको जो है इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई थी फिर बोहर ने उसकी जो है जो चीज़ें उसकी कम थी उसने उस पर काम किया था और उसको एक कम्पलीट जो है अटोमिक मॉडल उसने पेश किया था तो हर डिस्कवरी जो है मॉडिफिकेशन मांगती है आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई होती है फिर उसमें जो कम्प्लीटली चीज़ होती है तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज जो है ना हमारे पास डिस्कवरी uh, में हर चीज की हर चीज में मॉडिफिकेशन हमारे पास जरूरी होती है साइंटिफिकली और uh, आज की साइंस भी यही कहती है कि रिसर्च स्टॉप नहीं होती जैसे इंसान सोचना छोड़ता नहीं है परेशान होना सो, छोड़ता नहीं है इसी तरीके से आपकी रिसर्च है वो भी स्टॉप नहीं होती अ सम 100 इतना 100 वोल्ट द इंप्रूवमेंट इन सेंसिटिविटी इज मोर देन द कलेक्टिंग ऑल द वोल्टेज अप्लाई टू द इलेक्ट्रोड्स ऑफ आयनाइजेशन चैम्पर अच्छा यहाँ पहले ना प्रोपोर्शनल काउंटर्स की डेफिनेशन बताई जा रही है कि होता क्या है कि यहाँ पर हम जो है कुछ हंड्रेड्स वोल्ट लेते हैं ताकि हमारे पास हम जो भी वो आ, आपके पास आयनाइजेशन चैम्पर जो यूज कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास हम वोल्टेज तकरीबन हंड्रेड वोल्ट के करीब ले रहे होते हैं ताकि जब वो हम उसके इलेक्ट्रोड्स पे अप्लाई करें तो हमें जो सेंसिविटि है, वो ज्यादा से ज्यादा एंटर हो हमारे पास और करंट की डिटेक्शन भी ज्यादा हो क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हमारे पास आयनाइजिंग पार्टिकल्स की होगी जो एंटर हो रहे होंगे उतना ही ज्यादा हमें करंट डिटेक्ट होके मिलेगा ठीक है तो जिस अगर हमें आ, अपने डिवाइस की हमें एनाइजेशन चैम्बर की सेंसिविटी को इंक्रीज करना है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो जाहिर है हम सारा काम क्या कर रहे हैं हम उसके जो है पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम कुछ हंड्रेड वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे उससे क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस ऑन द इलेक्ट्रोड्स द करंट कॉस्पॉन्डिंग टू मल्टीपल्स ऑफ आइंस ठीक है अब उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस जो है इलेक्ट्रॉन्स पे मौजूद हैं अब होगा क्या कि करंट जो के क्या है किसके टाइम्स है मल्टीपल टाइम्स है आइंस के इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिविटी ठीक है करंट जो है कॉरेस्पॉन्ड्स कर रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ आइंस यानी आपके पास करंट किस वजह से मिल रहा है आपके पास uh, मिल तो रहा होगा आइंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस जा रहा है बाय रेडियो रेडियो एक्टिविटी क्योंकि रेडियो एक्टिव सोर्स रखी हुई है वहाँ पर और जो आयनाइजिंग पार्टिकल्स हैं अगर जितने नंबर ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल्स होंगे उतना ही करंट हमारे पास ज्यादा

Uh, जो कि किससे कनेक्टेड है डिटेक्टर से कनेक्टेड है यहां पर अगर आप इलेक्ट्रोड्स के दरमियान दें तो उससे क्या होगा स्ट्रॉग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी uh, इसको हम uh, कैसे अंदाजा लगा सकते हैं देखो जब हम पैरल प्लेट का पैस लेते हैं और प्लेट का पेरल में अगर हम वहां पर एक बीच में एक डायलैक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दें तो उसकी वजह से होता क्या है कि पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाती है और यहाँ पर बात हो रही है कि आपने हाई पोटेंशियल अप्लाई किया इलेक्ट्रोड्स के यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गई इसका मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज जो कि पोटेंशियल डिफरेंस हैं उन दोनों का जो आपस में ताल्लुक है वो आपके पास जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यानी V इक्वल टू E D ठीक है तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करेगा प्रोपोर्शनल काउंटर में जब आप हाई वोल्टेज देंगे अब हाई वोल्टेज देने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से ज्यादा आपने क्या दे दी उनको एनर्जी दे दी ज्यादा से ज्यादा एनर्जाइज कर दी उसकी कायनटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कानेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर है वो विलोसिटी उनकी बढ़ गई वो ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे और जब उनकी अट्रैक्शन बढ़ेगी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और वो हो जाएंगे. अब हो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है स्ट्रॉन्ग है तो वहां पर फोर्स भी क्या होगी स्ट्रॉन्ग होगी अब उनको इतनी एनर्जी मिल चुकी है कि वो क्या करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स को जाके आयनाइज कर देंगे फिर अब इससे होगा क्या कि... पहले दो चार्ज पार्टिकल जो आयोनाइिंग चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिटेक्टर में एंटर हो रहे थे वो तो थे ही हमारे पास लेकिन अब वो जो उससे हुआ क्या कि हमारे पास एक पहले जो है एक पेयरिंग हो चुकी है

By जो हमारे पास जो है, क्या करते हैं जब हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहे होते हैं तो हमारे पास वक्त हो क्या रहा होता है रेडिएशन इमिट आउट हो रहे होते हैं तो वो रेडिएशन क्या करेंगे वो अः एक अहम किरदार अदा करेंगे उन जनरेटेड बाई उनकी वजह से क्या होगा जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हेल्प कर रहा होगा दूसरे मोलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल्स को क्या करने में आयनाइज़ करने में और वहां से हमारे हाँ पास जो है सेकेंडरी आइन की प्रोडक्शन होगी तो इससे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं गैस मल्टीप्लिकेशन सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड गैस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको क्या बताया है? कि प्रोपोर्शनल काउंटर्स में आपके पास क्या होता है कि एक हाई वोल्टेज हमारे पास आयनाइजेशन चैम्बर में हाई वोल्टेज नहीं होता प्रोपोशनल काउंटर्स में हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं क्यों ताकि हम जो है अपने डिवाइस की आयनाइजेशन चैम्बर ही कहलाता है वो लेकिन उसकी फ़र्क क्या है कि आयनाइजेशन चैम्पर की हम क्या बढ़ा सकें सेंसिटिविटी बढ़ा सकें अगर हम सेंसिटिव बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो है आयनाइजेशन चैम्बर में जो डिटेक्शन होगी आयन्स और मल्टीपल स्पेयर्स की वो ज्यादा से ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके पास इलेक्ट्रॉनस के करीब हाँ पोटेंशियल आपने हाई अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गए इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई उनको एनर्जी ज्यादा मिल गई अब वो ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे अब वो ज्यादा से से स्पीड मूव करते हैं तो और उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है तो वो क्या करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करना शुरू कर देते हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो इससे होता क्या है कि आपके पास वही वही इलेक्ट्रॉन जो कि जनरेट हुए होते हैं रेडिएशन आउट होने की वजह से वो क्या करते हैं उनकी वहां पर जो एवेलॉन्च का प्रोसेस हो रहा होता है आयोनाइजेशन का वो वजह बन जाते हैं सेकेंडरी एनस्पियर की आयनाइजेशन के लिए और ऐसे प्रोसेस को आप कह रहे होते हैं गैस मल्टीप्लीकेशन एक मिनट अपनी अपनी अटेंडर द गैस मल्टीप्लीकेशन मेक्स द डिटेक्शन मच मोर सेंसिटिव और गैस मल्टीप्लीकेशन आपके पास जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी उतना ही वो क्या करेगी आपके डिटेक्टर्स को उतना ही सेंसिटिव बनाएगी यानी इतना ही वो आपको डिटेक्ट करके अच्छा दे रहा होगा ये द करंट इज इज स्टिल प्रोपोशनल टू द नंबर ऑफ प्राइमरी आइंसपेयर उसने क्या किया क्या आप क्या क्या, क्या क्या कहा बताया कि आपके पास जो करंट है अभी भी जो है क्या है स्टिल प्रोपोशनल स्टिल प्रोपोशनल द नंबर ऑफ प्राइमरी आइंसपेयर प्राइमरी आइंसपेयर कौन से हैं ये वो प्राइमरी आइंसपेयर है जो इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास डिटेक्टर चैंपल्स में स्टार्टिंग में दाखिल हुए थे ठीक है ये वो आइन स्पेयर्स हैं वो चार्ज आयनाइजिंग पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेडियो एक्टिव सोर्स के थ्रू हमारे डिटेक्टर में एंटर हुए और फिर एंटर होने के बाद उन्होंने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ हमने यहाँ पर जो बैटरी है उसका पोटेंशियल हाई कर दिया जब पोटेंशियल हाई करने की वजह से एलेक्ट्रोड्स पर क्या असर पड़ा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैगनेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग थी कि उसने क्या किया कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट कर दिया उनकी एनर्जी को बढ़ा दिया Uh, उनकी स्पीड हाई कर दी जिसकी वजह से उनको इतनी एनर्जी मिल गई कि उन्होंने दूसरे मॉलिक्यूल्स को जो वहां मौजूद थे उसके अंदर भी डिटेक्टर्स के उसको आयनाइज करना शुरू कर दिया ठीक है।, है अब वो आयनाइजेशन का प्रोसेस हुआ तो हमारे पास फिर क्या हुआ कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट हुए थे रेडिएशन की वजह से और कौन से इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपने एक रेडियो एक्टिव सोर्स को लगाया हुआ था किससे आए अपने डिटेक्टर से अब डिटेक्टर्स को जैसे ही आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जाहिर है रेडियो एक्टिव सोर्स लगी हुई है Uh, आपकी कहीं और सबसे बेसिक बात कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स होती है ना कभी भी आप उसको खुली जगह पे नहीं रखते हमेशा उसको एक क्लोज जगह पे रखते हैं क्योंकि एनवायरमेंट में मौजूद भी जो है आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो चीज़ वो क्या करता है रेडियो एक्टिव सोर्स वो उसको एब्जॉर्ब करता है उसका हाफ़ लाइफ कम होती जाती है और उसके डीके का प्रोसेस जो है ना बढ़ता चला जाता है तो इसलिए हम उसको एक क्लोज जगह पे रखते हैं बंद करके रखते हैं तो इसलिए वो ये कह रहा है कि आपके पास

प्राइमरी आयन पेयर के ऊपर लेकिन देखो प्राइमरी आयन पेयर तो वो थे ना जो चार्ज पार्टिकल से दाखिल हुए लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स को हमने एनर्जाइज हमने क्या कर दिया उसको एक्सेलरेट करा दिया उसको एनर्जी ज्यादा दे दी तो उसने अदर मॉलिक्यूल्स को भी क्या किया आयोनाइज आयोनाइज करना शुरू कर दिया अब वो जो अदर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए थे असल में वो बने सेकेंडरी अः आइंसपेयर का सेकेंडरी से, सिकें, से, सेक्शन था हमारा एक वो था जो प्राइमरी आइंस कहला प्राइमरी आइंसपेयर कहला रहे थे जो दाखिल हुए थे और अब जो आइनाइज हुए है, वो हैं वो सेकेंडरी आइंसपेयर हैं तो उसकी वजह से हमें क्या होगा करंट जो है ज्यादा हमें इंक्रीज होके मिल रहा होगा अब वो कहता है कि आपके पास एक मिनट व्हेन पोटेंशियल अप्लाई टू द पोटेंशियल काउंटर गेट स्टिल हायर यानी आपने जो है अब पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे थे पोटेंशियल प्रोपोर्शनल काउंटर्स पे अब भी आप उसको क्या कर रहे हैं अभी भी आपने उसको हाई रखा हुआ है तो क्या होगा इस स्पार्क्स जंप बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द ट्रैक्स ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल्स तो होगा क्या कि वहां पर आपको ऐसा महसूस होगा स्पार्क दिखेगा आर्क की फॉर्म में बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो उसने कहा कि वहां पर क्या होगा अलोंग द ट्रैक्स ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल जब आपके पास वो वाला हिस्सा अगर मेरे पास यहाँ पर डायग्राम इसकी पता नहीं होगी कि नहीं ये है ये रही. ये ये जो ये तो सॉरी काउंटर की है प्रोपोर्शनल काउंटर की नहीं है प्रोपोर्शनल काउंटर भी बिल्कुल आयोनाइेशन चैबर की तरह काम करता है इसने यही कहा कि यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपको स्पार्क मिलेगा जब आप क्या करेंगे इस इलेक्ट्रोड के दरमियान जो पोटेंशियल पहले ही हाई था उसको मजीद आपने बढ़ा दिया ठीक है और जब मजीद बढ़ाया तो उसकी वजह से क्या होगा आपको वहां पर जो आयनाइजिंग पार्टिकल्स का जो ट्रैक है उसका जो एंटर होने का रास्ता है वहां पर आपको क्या दिख रहा है कि वहां पर जो है आपको स्पार्क दिखेगा तो ऐसे डिटेक्टर्स को हम कहते हैं स्पार्क चैम्पर्स जिसमें हमारे पास क्या होता है विच इंटरनल एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स टू

प्रोपोर्शनल काउंटर की जो सेंसिटिविटी जो होती है वो आयनाइजेशन चैम्पर्स से ज़्यादा होती है फिर आप स्पार्क चैम्पर्स की तरफ जाएं तो स्पार्क चैम्पर्स की जो सेंसिटिविटी होती है वो इन दोनों से भी ज़्यादा होती है क्यों क्योंकि आप जो है इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाई रखते हो जिसकी वजह से इसका जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है ना वो बढ़ जाता है अब एम्प्लीफिकेशन आपके पास उसने कहा कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसका मतलब यहाँ पर हमें सिग्नल्स बहुत अच्छे मिलेंगे करंट बहुत अच्छा हमें मिलेगा अब चाहते हैं गीगल बिला काउंटर की तरफ ये सबसे ज्यादा जो है मोस्ट कॉमनली और वाइडली यूज होने वाला डिटेक्टर्स है ये आपके पास इसका वो लगा हुआ है हमारे पास जो है ना जो लैब वगैरह में हम यूज करते हैं इस तरह का होता है ये आ, वैसे ये तो डिटेक्टर है ये जीएम ट्यूब डिटेक्टर है यहाँ पर जो है हम ऊपर सोर्स लगाते हैं ऊपर हम अब इसका मैं एक और दिखाती हूँ डायग्राम पता नहीं यहाँ पर होगी कि नहीं आ, शायद वो मैंने डायग्राम रखी नहीं है और अब वो डायग्राम बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो डायग्राम मैं आपको दिखाती तो उस डायग्राम से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता कि किस तरीके तरीके की होती है लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ जो थोड़ा बहुत मुझे याद है स्क्वायर की फॉर्म में होती है ये और यहाँ से इसका कनेक्शन होता है जो कि अगर यहाँ पर आपके पास डिटेक्टर लगा हुआ है एक डिजिटल डिटेक्टर हम यूज करते हैं उसके साथ ये कनेक्टेड होती है तो अब ये क्या करती है नीचे इसके रेडियो एक्टिव सोर्स हम रखते हैं जैसे ही हम जो है पोटेंशियल अप्लाई करते हैं अब देखो ना रेडियो एक्टिव सोर्स है आपने चाहे खुली जगह पर रखी है या जैसी जगह पर रखी है इसमें से रेडिएशन इमिट आउट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसको एतराफ़ से हर जगह से एनर्जी मिल रही होती है और ये जब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया तो होता क्या है कि यहाँ पर ना हम यहाँ पर कुछ उसके लिमिटेशंस भी दी हुई होती है कि कितने टाइम पे आपने रखा है और क्या है यहाँ पर इसका ऑप्शन होता है कि आपके पास वो काउंट्स कितने देगा डिटेक्टर detector हमारे पास क्या होता है जीएम ट्यूब तो रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए ना और ये काउंटर डिटेक्टर जो होता है ये क्या काम कर रहा होता है देखो यहाँ पर डिटेक्टर जो लगाया हुआ है ये काम कर रहा होता है आपके पास नंबर ऑफ काउंट्स यानी हर एक मिनट या हर एक सेकेंड वो आपके ऊपर है कि आप जो है उसको किस तरह सेट करते हो तो वो उतने हिसाब से आपको बता रहा होता है कि इतने इतने मिनट में जो है नंबर ऑफ काउंट्स उसने मोस्ट वाइडली यूज रेडियक्टिव डिटेक्टर्स ये जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाले रेडियक्टिव डिटेक्टर्स है इसको नॉर्मली तौर पर आप जीएम काउंटर्स या गीगर काउंटर्स के नाम से जानते हैं स्पार्क काउंटर ऑपरेटिंग एट स्टिल हायर वोल्टेजेस अच्छा देखो अब हमने कहा हम अब तक पढ़ते आ रहे थे वक्त गुजरने के साथ साथ मॉडिफिकेशन होती जा रही है तो जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है डिटेक्टर वो हमारे पास जीएम ट्यूब डिटेक्टर है और इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस की लिमिट होती है ना तकरीबन जो मैंने पढ़ी है फोर हंड्रेड से सिक्स हंड्रेड जो है ये काम का वोल्टेज के दरमियान ऑपरेट होता है अगर वोल्टेज इससे कम या ज्यादा हो तो जीएम ट्यूब जो है ऑपरेट नहीं करता ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपके पास ये सोर्स रखी हुई है सोर्स जैसे सो, मैंने आपसे कहा था ये डिटेक्टर लगा हुआ है और इसको इसने कनेक्ट किया हुआ है किससे आपने इसको यहाँ पर रेडियो यहाँ पर जो है आपने क्या लगाया हुआ है uh, सब यानी सोर्स आपने यहाँ पर जो है बैटरी कनेक्ट की हुई है इस वक्त यहाँ पर लिखा है फिफ्टीन हंड्रेड वोल्ट अब डिपेंड करता है कि आपके पास जीएम क्यूब आप कितनी लिमिटेशन का यूज कर रहे हैं ठीक है पल्स काउंटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर जो है आपने अः अगर यहाँ पर आपने लगाया हुआ है ऑस्लोस्कोप ठीक है तो ऑस्लोस्कोप क्या करेगा कि आपके पास जो है जो पल्स आ रही होंगी साइन वेव्स की फॉर्म में या किसी और वेव्स की फॉर्म में तो वो उसको डिटेक्ट करके दे रहा होगा और अगर और यहाँ पर जो है हम दे ले रहे होंगे टाइम के हिसाब से वोल्टेज और टाइम के हिसाब से कि इतने टाइम पे इतनी जो है हमारे पास रीडिंग सारी होगी इतनी रीडिंग सारी होंगी अच्छा देखो ये भी यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है तो ये दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है एक एक इस पॉइंट से कनेक्टेड है और एक आपके पास नेगेटिव पॉइंट से कनेक्टेड है एक डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हुआ है देखो ये वाला आपके पास किससे कर पॉजिटिव टर्मिनल है ये आपके पास ए, क्या लग, ल, लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है और लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बैटरी से फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो भी यहाँ से कनेक्टेड आपके पास थीके? और अच्छा ये जो आपके पास सप्लाई है ये और किससे कनेक्टेड है ये आपके पास कनेक्टेड हुई हुई है आ, एक और यहाँ पर लगाया हुआ है जो कि गीगल मोलर का जो आपका पल्स काउंटिंग है ना यानी इसमें आप दो चैनल्स होते हैं और दोनों चैनल्स पे आप कनेक्ट कर रहे होते हैं एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है एक को आपने किससे कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ टाइम खत्म हो रहा है मैं जल्दी से इसको खत्म कर रही हूँ मिनट है हमारे पास अच्छा अब आपने आपको ये बात कही कि जीएम काउंटर जो है पिछले चैम्बर्स के मुकाबले में और ज्यादा हायर वोल्टेजेस पे काम करता है और जो इसके वोल्टेजेस होते हैं मैंने आ, हमारे पास जीएम जीएम ट्यूब जो होता है इसमें जो गैसेस मौजूद होती हैं और इसमें एक और मिक्सचर भी होता है इसमें आर्गोन जो है आपके पास आर्गोन नियॉन गैस और इथानॉल जो जो इथेनॉल इसका है आपके पास इस मौजूद होता है गैस का मिक्सचर तो इसका जो वोल्टेज होता है ना डिपेंड कर रहा होता है स्पार्क टू जम्प बिटवीन द इलेक्ट्रोड जैसे ही आप वोल्टेज हाई करेंगे तो एक सिंगल आइन पेयर आपको क्या कहेगा स्पार्क देगा कहां पर जाके बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स यहां आपको स्पार्क दिखेगा आर्क की फॉर्म में आर्क की फॉर्म में यहाँ पर आपको स्पार्क दिखेगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड जब आप वोल्टेज जो है बैटरी के थ्रू इसका मजीद बढ़ा देंगे और एवरी स्पार्क गिव्स अ पल्स रजिस्टर्ड

अब यहाँ पर हमारे पास कहीं जो है इन्होंने अच्छा ऑस्लोस्कोप किसकी जगह लगाया ऑस्लोस्कोप जगह हमारे लगाया है हमारे आ, एम मीटर की जगह यहाँ पर ठीक है तो जो काम हमारे पास वो वहां एम मीटर कर रहा था करंट की डिटेक्शन यहाँ पर जो है वो अ सारा काम क्या करा होगा ऑस्लोस्कोप या मैं कहूँ पल्स काउंटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस होगा वो ये काम कर रहा होगा ठीक है तो यहाँ पर दो मैंने आपसे कहा कि दो इलेक्ट्रॉड जो है एवरी स्पार्क जो है हमारे पास रजिस्टर्ड हो रही होंगी किसके अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस ठीक है और वो आ, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं चैम्बर के ये वो रेजिस्टर के नंबर ऑफ पर्सेज इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है कि वो नंबर ऑफ पर्सेस को काउंट कर रहा होगा द काउंटर कैन ऑलसो बी मेड एन ऑटेबल सिग्नल फॉर ईच पल्स ठीक है और हो सकता है कि आपके पास जो काउंटर लगा हुआ है वो किस तरीके की डिटेक्शन दे रहा हो ईच पल्स की

पल्स की इंटेंसिटी है जैसे वहां हमारे पास करंट था वो डिपेंड किसपे कर रहा था पावर तो है, है वो डिपेंड करी होगी बट in हमें तो ज्यादा दिलचस्पी इस चीज से है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उस चैम्पर में एंटर हुए जितने नंबर ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल्स उसमें एंटर होंगे उतने ही ज्यादा मुझे पल्स की इंटेंसिटी मिलेगी समथिंग अबाउट डेट टाइम हैज येट टू बी एडेड अच्छा कुछ ऐसे होते हैं कि आ, कुछ का डीके बहुत करीब होता है कुछ रेडिएशंस डिटेक्ट वो नहीं करता है कुछ को वो डिटेक्ट कर देता है तो हम आ, जब वो एंटर होती हैं तो कुछ एरर भी हो जाती हैं इफ द सोर्स रेडिएशन इज रेडिय स्ट्रोंग अगर आपके पास रेडियोएक्टिव सोर्स बहुत ही स्ट्रांग है तो गिगर काउंटर की हम क्या लेते हैं जीरो रीडिंग भी लेते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास अगर रेडियो एक्टिव सोर्स जो है ना बहुत वीक हो हम अच्छा हम यहाँ पर बैकग्राउंड काउंट्स भी लेते हैं अब देखो मैं तुम्हें तो एक चीज बताती हूँ इस डब्बे में हमारे पास ये रेडियो एक्टिव सोर्स रखी हुई है इसके अंदर हम रेडियो एक्टिव सोर्स रखते हैं ठीक है और ये वाला जो हिस्सा है इसमें प्लेट्स रखी जाती हैं और ये रेडियो एक्टिव सोर्स इसमें रखी जाती है अब होता क्या है यहाँ पर आपके पास ये डिटेक्टर लगाए हुए जीएम डिकाउंटर इसको कहा गया है आ, इसके अंदर जो है वो जीएम ट्यूब लगाई गई होगी ठीक अब इसको ये नजर नहीं आ रहा ये आपके पास काउंटर लगा हुआ है जो काउंट करके दे रहा होगा और यहाँ पर ये टाइमर लगा हुआ है ठीक है इसके ये ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपके पास प्रेसिंग बटन है और ये क्या आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिया हुआ है ठीक है यानी स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए अच्छा अब आपके पास इसकी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और वर्किंग प्रिंसिपल है

गैस डिटेक्टर्स है जो के ज्यादा यूज होता है अच्छा इट इज अ मेटल सिलेंडर फिल्ड प्रेशर गैस मैंने आपसे होती हैं और कैरामिक विंडो एट वन एंड एक साइड से बिल्कुल इनका एंड जो है ना बंद होता है दिस काउंटर वर्क इन अगर रीजन विद टू स्पेशलिटीज अच्छा इसकी दो खासियत होती है गीगर uh, रीजन की द गैस

हुआ जाता है किसी चीज का ठीक है एट इट एंड वन टाइम बट स्प्रेड ऑल ओवर एंटायर लेंथ ऑफ सेंट्रल वायर ठीक है इसने ये entire length लेंथ ऑफ central वायर लार्ज आउटपुट पर्सेज आपके पास मिलेगा आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा और जितना आ, और आपके पास पल्स किस परिपेंड करी थी असल में वो गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और नंबर्स ऑफ प्राइमरी आइन स्क्वेयर पे ही डिपेंड कर रही थी तो जितना अच्छा आपको आउटपुट मिल रहा होगा तो इज इनडिपेंडेंट बोथ ऑफ द एनर्जी एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल्स डिटेक्टेड अच्छा मैंने आपसे क्या बात करी थी मैंने आपसे ये बात करी थी कि हमारे पास जो uh, पल्सेस हैं वो किस पर डिपेंड करी हो रही थी हमारे पास जो पल्सेस की जो इंटेंसिटी थी वो डिपेंड करी थी कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास आइंसपेयर के एंटर हो रहे हैं उस डिटेक्टर में ठीक है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो पार्टिकल्स की जो डिटेक्ट हो रहे हैं और ओवरऑल उसका जो नेचर है उसकी जो एनर्जी है हमारे पास जो हमारा पल्स है उसका आउटपुट वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पे जो एंटर हो रहे हैं पार्टिकल वो उस पर डिपेंड कर रहा है अब यहाँ ये यह बात बताते हैं जैसे आयनाइजिंग पार्टिकल्स आपके ट्यूब में एंटर होते हैं वो क्या करते हैं आयोनाइज द गैस उसमें मौजूद जो मिक्सचर है उसको गैस को आयोनाइज कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो मूव करते हैं टूवर्ड्स एनोड और इससे क्या होता है कि जब एनोड्स की तरफ मूव करते हैं अब बहु, बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज है तो जाहिर इलेक्ट्रॉन्स की विलोसिटी भी हाई हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं यानी सेकेंडरी आइन स्पेयर हमें मिल रहा होता है आफ्टर रिपीटेड कोलिजन विद द पार्टिकल्स ऑफ द गैस अब देखो ना कंटिन्यूसली हमारे पास उस डिट उस ट्यूब में इलेक्ट्रो जो आपके पास आयनाइजिंग पार्टिकल्स हैं वो एंटर हो रहे हैं और गैस को आयोनाइज कर रहे हैं ठीक है और गैस को आयोनाइज करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आ, प, हाई पोटेंशियल मिलने की वजह से उनकी वेलोसिटी और एनर्जी दोनों इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से वो मजीद क्या करते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस पास करने का बायस बनते हैं क्योंकि वो आपस में टकराते रहते हैं ठीक है और इनकी इसी वजह से आपके पास फर्दर मोर इलेक्ट्रॉन्स इन जियो प्रोग्रेशन यानी हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो जो है प्रोडक्शन का जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन होती है वो हमारे पास चीजें बढ़ती चली जाती है उसका प्रोसेस हमारे पास रुकता नहीं है ड्यू टू लार्ज मल्टीप्लीकेशन एक्शन

पावर सप्लाई नीड टू बी प्रोसेसली रेगुलेटेड एज अ पर्स हाइट अच्छा इसकी जो पावर सप्लाई होती है वो डिपेंड नहीं